बारात घर बंद, सीधा सा मतलब टेंट हाउस बंद, बैंड बाजा बंद, फूल माला बंद, केटरिंग बंद, डीजे बंद, ब्यूटी पार्लर बंद, फोटोग्राफी बंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जीशान जावेद आपके साथ। लॉकडाउन के बाद अनलॉक तो हुआ, अगर कुछ नहीं हुआ तो शादी बारात से जुड़ा काम वह अभी भी लॉकडाउन है। ऐसे में इस व्यवसाय से जुड़े कई व्यवसायी ज्ञापन लेकर पहुंच गए कलेक्टर के पास, मांग की बारात में थोड़ी रियायत और दी जाए जिससे कई परिवारों को आर्थिक तंगी से बचाया जा सके। हमने कई लोगों से इस बारे में बात की, देखिए यह रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी आपके साथ। जैसा कि आपको मालूम है, लॉकडाउन होने को लगभग 80 दिन होने को आए। इस 80 दिन में सारी व्यवस्थाएं सरकार ने धीरे धीरे दुरुस्त करने की कवायद प्रारंभ कर दी है। इस दौरान अगर देखा जाए तो जिन चीज़ों पर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है, या कोरोना वायरस के चलते कुछ ऐसे भी उद्योग हैं, ऐसे भी काम हैं जिनको अभी तक नहीं खोला गया है, आज हम बात इन्हीं की करेंगे, उन बिजनेस की करेंगे, उन लोगों की करेंगे जो इस कोरोना वायरस के दौरान बिल्कुल बेरोजगार हो गए। उनने आज तक एक रुपए का भी काम नहीं किया और ऐसा लग रहा है कि निकट भविष्य में भी उनको इससे किसी भी तरीके के कोरोना वायरस के जब तक ये रहेगा उबरने की कोई भी वो दिख नहीं रही है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज ये लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं, रीवा कलेक्टर के पास ज्ञापन देंगे और उनसे मांग करेंगे, उनके बारे में भी शासन गंभीरता से विचार करें। हमारे साथ यहाँ पर बैंड बाजा बारात के तमाम लोग मौजूद हैं। बैंड बाजा से मेरा मतलब है बारात घर, टेंट हाउस, डीजे, फूल वाला। कहने का मतलब ये है कि शादियों में जिन लोगों की ज़रूरत पड़ती है, कैटरिंग जिन लोगों की ज़रूरत है, तमाम वो लोग मौजूद हैं, जिम्मेदार हैं। मैं उन्हीं से बात करता हूँ। जी बताइए, आपका व्यवसाय और आपकी समस्या। सर, हमारा बारात घर है, व्यवसाय है, और इस कोरोना महामारी की वजह से जो इतना विकराल संकट आ रहा है हम लोगों के ऊपर, कि जिससे सभी लोग फूल माला वाले, डीजे वाले, जो भी और भी छोटे मोटे जो व्यवसायी हैं वो सब प्रभावित हो चुके हैं। शासन ने धीरे धीरे खोलना चालू किया है सर, उसमें उन्होंने परमिशन दी 50 लोगों की घर से शादी करने की। सर, तो हम लोग ये चाहते हैं सर कि जो शासन ने जो घर से परमिशन दी है शादी करने की, वो बारात घर के क्षेत्रफल को देखते हुए 50 से 100 लोगों को भी, लोगों के लिए कम से कम बारात घर में शादी करने की परमिशन करें, जिससे थोड़ी सी राहत, ज़्यादा नहीं चाहते, केवल थोड़ी सी राहत चाहते हैं। सरकार ने 20 लोग की परमिशन दी है, जब घर में 20 लोग इकट्ठा हो सकते हैं तो बारात घर, स्वाभाविक रूप से बारात घर कुछ बड़ा होता है, 50 लोगों की परमिशन तो दी ही जा सकती है, बहुत छोटी सी मांग है। जी बताइए, आपका व्यवसाय। टेंट हाउस से हूँ मैं सर। जी बताएं। जो हम लोग का कोरोना महामारी से जो हम लोग का व्यवसाय बंद हो गया है, तो सरकार से बस ये निवेदन यही कि जो 50 लोग की परमिशन है उनको बढ़ाकर 100 या 150 लोग की करें, जो जिसमें हम लोग का भी गुजारा हो सके। जो हम लोग के साथ जुड़े हुए बहुत सारे व्यवसायी ऐसे हैं जो बहुत छोटे वर्ग के हैं, उनका गुजारा इसमें नहीं हो पा रहा, बस सरकार से गुजारिश यही है कि 100 से 150 व्यक्तियों का इनमें परमिशन देने की। सरकार से ये मांग है कि किसी भी तरीके से बारात, शादी बारात में लोगों की संख्या को बढ़ा दे, थोड़ी भी संख्या अगर बढ़ गई तो हमारा काम बन जाएगा। सही, क्या नाम है आपका? संजय। संजय, क्या करते हैं आप? इवेंट का काम। इवेंट करते हैं। जी। इवेंट आपका बंद है? जी जी सर। जब बाराती नहीं हो रही है, शादी ही नहीं हो रही, तो इवेंट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बताइए, आपका क्या व्यवसाय है, क्या समस्या? बारात घर चलाते हैं हम यहाँ पे, और सर सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर थोड़ा बहुत भी बारात घर में जो सारे गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है उनको हम फॉलो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो संख्या है वो 50 से 100 कर दी जाए जिससे हम लोग भी थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाएं, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम जा रही है अब। निश्चित रूप से प्रॉब्लम जा रही है, शादी बारात बिल्कुल इस समय बंद है, 50 लोगों की परमिशन है, 25 लोग एक तरफ से, 25 लोग दूसरे तरफ से, इनका साफ तौर से कहना है उस संख्या को डबल कर दिया जाए। क्या व्यवसाय आपका और क्या डीजे का? सर, क्या समस्या है आपकी? समस्या सर ये लॉकडाउन के चलते हम लोग का रोजगार एकदम ठप हो चुका है। पिछले 3 महीने के दौरान आपने कितनी शादियां की, कितने बार डीजे बजाए? कुछ भी नहीं हुआ सर, 3 महीने से टोटल बंद है सर। 3 महीने से आपका व्यवसाय टोटल बंद है, मैं बात कर रहा हूँ डीजे की। सर मेरा केटरिंग का व्यवसाय है, 22 तारीख को जिस दिन लॉकडाउन हुआ था, 22 मार्च को, उस दिन हमें आने वाले समय में अप्रैल मई में हमारे पास बहुत सारी बुकिंग थी,
फिर भी हमने धैर्य रख के अपने देश का साथ देने का ही फैसला किया और ये इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और 31 मई की गाइडलाइन पे हमारी पूरी नज़र थी कि सरकार हमारे लिए क्या राहत लेके आती है, पर 31 मई को जो गाइडलाइन आई उससे हम लोगों को बहुत आहत पहुँची है। जिस तरह से परमिशन दी गई है, होटल और रेस्टोरेंट वगैरह को खोला गया है, अगर वहाँ पे लोग जाके खा सकते हैं, अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, तो बारात घर में ऐसी क्या कमियां हैं कि बारात घर को परमिशन नहीं दी जा सकती। निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल यहाँ पर निकल के आ रहा है, जैसा कि बातचीत के दौरान साफ तौर से कहना था, होटल आपने खोल दिया, अगर होटल में 200 लोगों के बैठने की जगह है, आपने 50% की छूट दी, तो वहाँ पर 100 लोग को बैठने से आप नहीं रोक सकते, नहीं मना कर सकते। बारात घर निश्चित रूप से उसमें ज़्यादा स्पेस रखता है, वहाँ पर ज़्यादा लोग को बैठाला जा सकता है। शासन को इस बात पर भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए। बताइए जी, मेरा फ्लावर डेकोरेशन का है। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोग पूरी तरह से एकदम बंद बैठे हैं और कोई काम मिल नहीं रहा। अगर मैरिज हॉल खुलेगा तो उससे जुड़ा हो हमारा बिजनेस, तो थोड़ा बहुत काम हम भी लोगों को मिल जाता है, जिससे हम लोगों की रोजी रोटी चलती है। सरकार से यही अनुरोध है कि मैरिज हॉल को भी अनुमति देना चाहिए, क्योंकि उसी से अपना भी बिजनेस जुड़ा हुआ है। अगर उनको मिलेगी तो हमको भी मिलेगा। तमाम व्यवसाय एक दूसरे के पूरक हैं। एक को अगर परमिशन मिलती है, सीधा सा मतलब है, अगर बारात घर को परमिशन मिलती है, उससे ये जुड़े हुए तमाम लोग अपना अपना व्यवसाय कर लेंगे और एक आदमी की वजह से, एक व्यवसाय खोलने की वजह से तमाम व्यवसायों को राहत मिलेगी, सबके घर में चूल्हे जलेंगे। पिछले 2.5 महीने के दौरान उन्होंने 1 रुपये भी किसी भी तरीके से नहीं कमाया, जो भी जमा पूंजी थी धीरे धीरे खर्च खत्म होने को आ गई है। बताइए, आप लोगों की समस्याएं अगर नहीं मानी जाती तो आप लोग को आगे भविष्य में किस तरीके की समस्याएं आएंगी और आपका स्टेप क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कहेंगे कि जैसा कि अभी आप सब लोगों से बात किए हैं, इसमें बहुत सारे और व्यवसाय हैं, जैसे फोटोग्राफी है, ब्यूटी पार्लर है और आतिशबाजी है, इस तरह से भी बहुत सारे व्यवसाय जुड़े हुए हैं। और मैं तो आज निवेदन करने गया था कलेक्टर साहब से, हम सब लोग मिलके गए थे, तो कलेक्टर साहब जी ने हमें आश्वासन दिया है कि भाई हम आप लोगों के विषय में विशेष चिंतित हैं, क्योंकि आप लोगों का व्यवसाय भर नहीं खुला है, बाकी करीब करीब होटल रेस्टोरेंट सभी खुल चुके हैं, और वो सभी व्यवसाय जो हैं वो बारात घर के व्यवसाय से लगभग सिमिलरिटी वाले बिजनेस माने जाते हैं, क्योंकि खाने पीने की व्यवस्था वहाँ भी होती है, यहाँ भी होती है। तो अभी साहब ने हमको, कलेक्टर साहब ने यह आवेदन, मतलब ये हमको आश्वासन दिया है कि हम निकट समय में ऐसा कुछ आप लोगों के लिए करेंगे जिससे आप लोगों का ये नुकसान ना हो। तो अभी तो ये उम्मीद में है कि ऐसा कुछ होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? अगर नहीं होगा तो इसके बाद फिर हम लोग अभी धीरे से कलेक्टर साहब के बाद कमिश्नर साहब को ज्ञापन, कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने के बाद मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, और इसमें संख्या और अधिक बढ़ाकर हम लोग यहाँ से लेके और भोपाल तक भी जाने की कोशिश करेंगे, उसके साथ में पूरे प्रदेश के जितने जगह के लोग। निश्चित रूप से एक ऐसा व्यवसाय टेंट हाउस बारात घर, जिससे कम से कम 10 अलग अलग बिजनेस करने वाले लोगों की रोजी रोटी जुड़ी होती है। तमाम तरीके के व्यवसाय आज से खोल दिए गए हैं, शॉपिंग मॉल खोल दिए गए हैं, होटल रेस्टोरेंट खोल दिए गए हैं। जब वहाँ पर लोगों को बैठने की परमिशन दी जा सकती है तो उस जगह पर बैठने की परमिशन होनी चाहिए जहाँ पर 1000 लोगों के बैठने का भी इंतज़ाम होता है। वहाँ पर इनकी छोटी सी मांग है, 1000 वाली जगह पे अगर 100 लोगों को बैठने की परमिशन मिलेगी तो तमाम घरों में चूल्हे जलेंगे, अगर चूल्हे जलेंगे तो किसी भी तरीके से आर्थिक स्थिति में नुकसान नहीं आएगा, दाल रोटी उनकी चलती रहेगी। ये इन लोगों का साफ तौर से यही कहना था। ये बैंड बाजा बारात की जो टीम है, निश्चित रूप से एक ऐसी टीम है जिससे तमाम तरीके के, आप शायद यहाँ पर कुछ और भी कुछ कहना चाहते, क्या कहना चाहते? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों का अगर ये आवेदन अगर नहीं स्वीकार किया जाता या हमारी मांगे नहीं सुनी जाती हैं तो हम लोग के पास करने के लिए कुछ रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग जिस तबके से आते हैं हम लोग किसी सरकारी योजना के अंतर्गत भी नहीं आते, हमारा कोई मतलब वजूद नहीं है। एक बार फिर से बताइए कि आप किस बिजनेस की बात कर रहे हैं? सर, हम केटरिंग और टेंट व्यवसाय, बारात घर व्यवसाय की बात कर रहे हैं। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है सरकार की योजनाओं में, ना हम MSME में आते हैं ना किसी अलग योजना में आते हैं। हमारे रोजगार को अलग तरीके से रखा गया है, हम किसी योजना के लिए उनके तरफ से हम आश्वासित नहीं है। निश्चित रूप से कैटरिंग का व्यवसाय ही तब चलेगा जब बारात घर खुलेंगे, टेंट हाउस खुलेंगे, उसके अलावा कैटरिंग का व्यवसाय दूसरे जगह किया ही नहीं जा सकता। इन लोगों ने आज रीवा कलेक्टर को ज्ञापन देके मांग की है कि इनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए और ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे इन व्यवसाय के लोगों की रोजी रोटी चल सके। मैं जावेद अंसारी, न्यूज़ नेटवर्क टुडे के लिए समीम सौदागर के साथ।
अनलॉक टू के दूसरे चरण में अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।